हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज। आज है 22nd of July। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सुकिंदा वैली कंटेन्स 97% ऑफ इंडियाज क्रोमाइट ओर डिपॉजिट्स एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट ओपन कास्ट क्रोमाइट ओर माइंस इन द वर्ल्ड। सो द अबव मेंशन्ड सुकिंदा वैली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पर सुकिंदा घाटी, जो कि भारत का 97% क्रोमाइट एस भंडार है, ये दुनिया की सबसे बड़ी ओपन कास्ट क्रोमाइट एस खदानों में से एक है। और यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सुकिंदा घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये स्थित है ओडिशा में। आप यहाँ देख सकते हैं, रिसेंटली द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ऑर्डर्ड द सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड टू इन्वेस्टिगेट द क्रोमियम कंटामिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर इन द सुकिंदा वैली ऑफ ओडिशा जाजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड फाइल इट्स एफिडेविट विद इन द नेक्स्ट 4 वीक्स। सो क्रोमाइट की बात करें तो इट इज अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट फाउंड इन रॉक्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सॉइल एंड इन वोल्केनिक डस्ट एंड गैसेस। सो इट इज अ वेरी हार्ड ग्रे सॉलिड विद अ मेटेलिक लस्टर एंड देयर आर टू फॉर्म्स, ट्राइवेलेंट क्रोमियम विच इज सेफ फॉर ह्यूमंस एंड हेक्सावेलेंट क्रोमियम विच इज टॉक्सिक। सो क्रोमियम यूज इन आयरन, स्टील एंड नॉन फेरस अलॉयज एनहांसेस हार्डनेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड ऑक्सीडेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, सुकिंदा वैली ओडिशा राज्य में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम यूनेस्को कहते हैं, या फिर IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट ये जारी किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। आप यहाँ देख सकते हैं, इट इज पार्ट ऑफ द एजुकेशन 2030 इचियोन डिक्लेरेशन हाइलाइटिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एजुकेशन सिस्टम्स। सो ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, स्कूल्स हैव बीन क्लोज्ड ड्यूरिंग 75% ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अफेक्टिंग ओवर 5 मिलियन पीपल। इंडिया की बात करें, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन इंडिया रेनफॉल सॉक्स हैव हार्म्ड अर्ली वोकेबलरी एंड लेटर एकेडमिक स्किल्स एंड डिस्पाइट इट्स इम्पोर्टेंस, एजुकेशन रोल इन एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज इज ऑफन ओवरलुक्ड विद ओनली 2 आउट ऑफ 72 क्लाइमेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग SDG 4। क्लाइमेट चेंज डिस्ट्रॉयज एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्प्लेसेस पीपल एंड एग्जर्वेट्स वल्नरेबिलिटीज, पर्टिकुलरली इन मार्जिनलाइज्ड एंड लो इनकम कम्युनिटीज, सिग्निफिकेंटली हार्मिंग एजुकेशनल आउटकम्स। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो किस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को हार्म कर रहा है। यूनेस्को की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका एम है प्रमोट करना वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। वर्तमान समय में यूनेस्को के 194 मेंबर स्टेट्स हैं और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। इसको फॉर्म किया गया था 1945 में और वर्तमान समय में यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं आंद्रे अजोलो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिशन वन रेट इनिशिएटिव समटाइम्स सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू इज सीक्स टू स्टैंडर्डाइज। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है,
एक राष्ट्र एक दर पहल, जिसे कभी कभी समाचारों में देखा गया है, ये किसके मानकीकरण से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं गोल्ड, जेनेरिक ड्रग्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये संबंधित है गोल्ड से। आप यहाँ देख सकते हैं, वन नेशन एंड वन रेट इनिशिएटिव सीक्स टू स्टैंडर्डाइज गोल्ड प्राइसेस अक्रॉस द कंट्री एंड दिस इनिशिएटिव हैव बीन एडवोकेटेड बाय द ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। रीजंस फॉर फ्लक्चुएशन इन गोल्ड प्राइसेस, एज इंडिया इंपोर्ट्स मोस्ट ऑफ इट्स गोल्ड रिक्वायरमेंट, द करेंसी एक्सचेंज रेट एंड वेरियस ड्यूटीज फर्दर इन्फ्लुएंस द गोल्ड प्राइस इन इंडिया। सो गोल्ड प्राइस वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ड्यू टू डिफरेंसेस इन द लॉजिस्टिकल कॉस्ट, डिफरिंग डिमांड एंड सप्लाई डायनेमिक्स एंड दीज फैक्टर्स क्रिएट डिस्पैरिटीज इन प्राइसिंग, जिसकी वजह से वन नेशन वन रेट इनिशिएटिव लागू किया जा रहा है। ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की बात करें तो ये एक नेशनल ट्रेड फेडरेशन है फॉर द प्रमोशन एंड ग्रोथ ऑफ ट्रेड इन जेम्स एंड ज्वेलरी अक्रॉस इंडिया, एंड इट हैज कम टूगेदर फॉर मैनेजिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड इफिशियंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 के बारे में कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 इज द 8th एडिशन ऑफ द इंडिया मोबाइल कांग्रेस। एंड सेकंड, द फ्यूचर इज नाउ इज द थीम फॉर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपके दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। इस वर्ष आयोजित होने वाली इंडिया मोबाइल कांग्रेस का ये 8th एडिशन है और इसका थीम है द फ्यूचर इज नाउ। आप यहाँ देख सकते हैं, सो द यूनियन मिनिस्टर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया लॉन्च्ड द फ्यूचर इज नाउ एज द थीम फॉर इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024। एंड ही ऑल्सो लॉन्च द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, अ यूनिक इंटरैक्टिव ऐप फॉर रजिस्ट्रेशन। सो ही ऑल्सो लॉन्च द टेस्टिंग स्कीम फॉर स्टार्टअप्स एंड द स्कीम इज एम्ड एट ईजिंग फाइनेंशियल बर्डन फॉर स्टार्टअप्स एंड माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस इन द टेलीकॉम सेक्टर। सो अंडर द स्कीम अप टू 50 लाख रुपीज पर स्टार्टअप और एमएसई विल बी रीइंबर्स्ड फॉर टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन कॉस्ट इसेंशियल फॉर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड मार्केट एक्सेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है? आपके ऑप्शंस हैं असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो जो स्टेट फर्स्ट रहा है वो है मध्य प्रदेश। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑन जुलाई 18 द यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री सेड मध्य प्रदेश हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। सो ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक इन 2020, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड द माइक्रो क्रेडिट प्लान फॉर अर्बन स्ट्रीट सेलर्स ऑफरिंग कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू रुपीज 50,000।
एंड यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर प्रेजेंटेड द अवार्ड टू द विनर्स. असम हैज बीन रैंक्ड सेकेंड इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड्स कैटेगरी. तो पीएम स्वनिधि स्कीम की बात करें तो ये एक सेंटर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है विच इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यशस्विनी अवेयरनेस कैंपेन. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यशस्विनी जागरूकता अभियान का प्राथमिक उद्देश्य है. आपके ऑप्शंस हैं प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, एजुकेट वुमेन्स अबाउट हेल्थ इश्यूज, प्रमोट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अमंग वुमेन, या फिर इनकरेज वुमेन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स. यहां पर आपको बताना है कि यशस्विनी अवेयरनेस जो कैंपेन है उसका उद्देश्य क्या है. इस क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए टू प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर. आप यहां देख सकते हैं. सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यशस्विनी अवेयरनेस कैंपेन इज टू सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड दिस इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एम्स टू एम्पावर वुमेन बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट फॉर देयर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स. सो इट इंक्लूड्स फॉर्मल एजुकेशन फॉर वुमेन ऑपरेटिंग कॉमर्शियल एंटरप्राइजेस एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट वेरियस एमएसएमई स्कीम्स दे कैन यूटिलाइज. सो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एमएसएमई जीतन राम मांझी ने. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ऑपरेशन धनुष टू सीन इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन धनुष टू का संबंध निम्नलिखित में से किससे है. आपके ऑप्शंस हैं अ नेशन वाइड कैंपेन टू प्रमोट आर्चरी स्पोर्ट्स इन इंडिया, सेकेंड अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, थर्ड एन एंटी करप्शन ड्राइव टारगेटिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, या फिर एन एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल. तो बताना है ऑपरेशन धनुष टू का संबंध किससे है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो ये एक एंटी फिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन ऑपरेशन है बाय द इंडियन आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल. आप यहाँ देख सकते हैं ऑपरेशन धनुष टू वॉज एन एंटी इनफिल्ट्रेशन ऑपरेशन कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल इन द केरन सेक्टर ऑफ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर. सो द ऑपरेशन रिजल्टेड इन द एलिमिनेशन ऑफ थ्री टेररिस्ट एंड द रिकवरी ऑफ वेपन्स एंड अदर वॉर लाइक स्टोर्स. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.